आज हम बनाने जा रहे हैं चॉकलेट वॉलनट केक। चॉकलेट वॉलनट केक जो है हम कढ़ाई में बनाएंगे। इसके लिए हम एक मोटे तले की कढ़ाई लेंगे, जो भी घर में मोटे तले वाली कढ़ाई होगी उसको ले लेंगे। और उसके अंदर जो है हम स्टैंड डाल देंगे या कोई मेटल का जैसे ढक्कन वगैरह होता है उसको रख लेंगे, जिसके ऊपर जो है हमारा कंटेनर आ जाएगा। इसको हम हीट करने के लिए रख देंगे। 7 से 8 मिनट तक हम मीडियम हीट पे इसको गर्म करेंगे और ऊपर से हम ऐसे ढक्कन लगा देंगे इसको, ताकि ये पूरी तरह से गर्म हो जाए। जब हम केक बनाने रखेंगे तो ऊपर से हम एक भारी सी चीज़ रख देंगे जो भी हमारे पास किचन में अवेलेबल होगी। तो इस तरह से हम गर्म कर लेते हैं, तब तक हम केक का मटेरियल तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने एक कटोरी जो है गेहूं का आटा लिया हुआ है, ये छान के लिया हुआ है, इसको हम डाल देंगे। और इसमें हम 1/2 कटोरी जो है रिफाइंड ऑयल डाल देंगे, आप चाहें तो बटर भी डाल सकते हो इस तरह से। और 1/4 कप चीनी डाल देंगे, चीनी का बुरा कर दिया हुआ है। अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से, इस तरह से। अब इसमें हम 1 कटोरी फुल क्रीम मिल्क डालेंगे, धीरे धीरे एक करके डालते जाएंगे इसको। मिक्स करते जाएंगे ताकि इसमें लम्स ना बने। अब हमने अच्छी तरह से फेंट लिया हुआ है। अब इसमें 3 टेबलस्पून जो है हम कोको पाउडर लेंगे। अब इसको धीरे धीरे करके डालते जाएंगे, इसको भी इसमें मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। ये हमने कोको पाउडर भी अच्छी तरह से मिक्स कर लिया हुआ और बैटर हमारा इस तरह से बना है। अब इसमें हम चुटकी भर नमक डाल देंगे और इसको भी मिक्स कर देंगे। नमक मिक्स करने के बाद हम इसको 2 मिनट के लिए ऐसे ढक के रख देंगे। अब हम अपने कंटेनर को ग्रीस कर लेते हैं जिसमें हमने केक बनाना है। इस तरह से चारों साइड से इसको ग्रीस कर लें, अच्छी तरह से ग्रीस कर लें और इसमें थोड़ा सा आटा स्प्रिंकल कर लें। दो मिनट हो गए हैं, हम मटेरियल चेक कर लेते हैं। ये देखो, ये बिल्कुल फ्लफी फ्लफी सा हो गया। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, इसको मिक्स कर लेते हैं। ये हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इस मिक्सर में 5-6 अखरोट के टुकड़े डाल देंगे, ये मैंने दरदरे कूट लिए हुए हैं, और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। अब बैटर को हम अपने ग्रीस्ड कंटेनर में डाल देंगे, इस तरह से पूरा डाल देंगे इसको। थोड़े से अखरोट हम इसके ऊपर से डाल देंगे। अब हमारी कढ़ाई जो है गर्म हो चुकी हुई है, कंटेनर को हम इस तरह से इसमें रख देंगे। कढ़ाई को हम मीडियम फ्लेम पे रखेंगे और 25 से 30 मिनट तक हम इसको बेक कर लेंगे इस तरह से। ढक्कन जो है अच्छी तरह से बंद होना चाहिए और इसके ऊपर हम कोई भी वेट रख लेंगे इस तरह से, ताकि बिल्कुल भी ना हिले। 25 मिनट हो चुके हैं, अब हम चेक करेंगे कि हमारा केक अच्छी तरह से बेक हो गया कि नहीं। ढक्कन हम अच्छी तरह से उठाएंगे क्योंकि बहुत गर्म है इस समय। देखिए केक हमारा बेक हो गया है। अब हम छुरी डाल के देखेंगे कि अच्छी तरह से बेक हो गया है कि नहीं। देखिए छुरी पूरी क्लियर निकली है, तो इट मीन्स केक हमारा बेक होके तैयार हो गया है। गैस हम ऑफ कर देंगे